दी गई अभियान में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी और पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई और अब बैठक के लिए आगे बढ़ते हुए यहां पर कई पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। ग्राउंड प्लाजा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर के होटल से, जहां पर बीजेपी के कोर ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है। कई बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता, पदाधिकारी से लेकर जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कार्य समिति की बैठक होगी, इसके बाद विधायक दल की भी खास बैठक होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होटल क्राउन प्लाजा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और इसके बाद यहीं पर विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। अब पूरी तरीके से बीजेपी चुनावी मोड में नजर आ रही है। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए आज इस खास अभियान की भी शुरुआत की गई है। बटन दबाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान की शुरुआत की। इसके बाद फेल रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया गया, जहां पर गहलोत सरकार को फेल करार दे दिया गया। इसके साथ साथ कई वो बड़े मुद्दे जिन्हें लेकर आज ये दशा और दिशा तय की गई है कि ये वो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें लेकर बीजेपी मैदान में उतरेगी। चुनावी शंखनाद यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया, मंच से संबोधन किया और जमकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की गई। कई तरीके के आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार वो सबसे बड़ा मुद्दा जिसे लेकर सभी ने गहलोत सरकार पर तंज कसा। सचिवालय में जो एक लॉकर में सोना मिला था उसे लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और इस खास बैठक पर भी बनी रहेगी हमारी नजर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।